अब क्या करें, जब पब्लिक नहीं आने का इच्छा करता है, वो समझता है कि हम यहाँ आएंगे तो देना पड़ेगा। तो हमने इसीलिए बोले कि मांगे किसी से नहीं मांगते, हम महबूब राम से मांगे। मैं धन्य हो गया कि मुझे ना वो कुआं देखने मिल गया जहाँ कभी श्री राम पानी पिया करते थे। कि जब राम जी 14 वर्ष के बाद वन से वापस आए तो भरत जी से यहीं मिलाप हुआ, वही जगह है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अयोध्या में एक और नए दिन की शुरुआत हो रही है हमारी, और आज हम जाने वाले हैं बहुत सारे नए नए लोकेशन पे। कल मैं बहुत जगह घूम गया था, बहुत कुछ मैंने कल दिखा दिया था, तो सोचा कि आज और नई लोकेशन घूमते कि अयोध्या इतना बड़ा है और अयोध्या के अंदर इतना कुछ है देखने के लिए कि वो एक दिन में कवर होना बहुत मुश्किल है। तो आज नए दिन की शुरुआत नए लोकेशन के साथ करेंगे। तो चलते हैं आज प्रभु का नाम लेके, जय श्री राम, जय सीता मैया। और अयोध्या में ना हर दिन कुछ नया होते जा रहा है, मतलब रोज काम इतने तेजी से चल रहा है कि कुछ ना कुछ आपको रोज, आप रोड में निकलोगे तो कुछ ना कुछ नया दिखेगा। ये बैरिकेडिंग कल नहीं लगे थे, आज लग गए हैं, और अभी देखिए लग ही रहा है, काम चल ही रहा है। तो इतना मतलब तेजी से काम चल रहा है ना कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। और वैसे अयोध्या मंदिर जो अभी तैयार नहीं हुई पूरी, उसको तैयार होने में लगभग 1 से 1.5 साल लगेगा, और काम लेकिन यह है कि लगातार चल रहा है हर जगह। अयोध्या के अंदर आप किसी भी गली में जाओ, किसी भी कोने में जाओ, आपको काम करता हुआ मिलेगा, काम होते हुए दिखेगा। अयोध्या मंदिर बनने के बाद ना यहाँ के लोगों को तो बहुत रोजगार मिला है, लेकिन महंगाई भी इतनी बढ़ गई है। जो दुकानें लोग आज से कुछ साल पहले यहाँ ना लोग दुकान करने का मन नहीं करता था जिनका, आज वही दुकान लगभग 15-16 हज़ार रुपये किराया हो गया, और उनकी तगड़ी चलेगी 30 से 40 हज़ार रुपये। तो सोचिए कितनी महंगाई होगी ये सिर्फ राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है राम मंदिर बनने के बाद, बहुत सारे लाखों लोगों को अयोध्या के अंदर रोजगार भी मिल गया है। तो एक नए अयोध्या का निर्माण हो गया है हमारे इस खंड भारत के अंदर, भी बहुत हो गया हमारा ये जो अयोध्या है। आप अयोध्या के अंदर खुश होगे तो आपको सारे जो दुकानों का कलर है वो एक जैसा दिखेगा। जैसे ये देखिए सारी दुकानों का ना, यहाँ से लेके वहाँ तक का जितना भी आप नज़र घुमाओगे, सब जगह आपको एक ही कलर और एक ही डिज़ाइन के बोर्ड और दुकानों का डिज़ाइन दिखेगा। ऐसे ना जो कलाकृति कर रखी है, ऐसी जो पेंटिंग कर रखी है, वो आपको अयोध्या के अंदर सारी दुकानों के अंदर ये चीज़ देखने मिलेगी। जब ऐसा कुछ नज़ारा है हमारे इस अयोध्या नगरी का, तो भाई चलो चलते हैं अब आगे नए लोकेशन पे। आज का कुछ नई जगह देखने के लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अपने इस अयोध्या यात्रा में मैं पहुंच गया हूं अभी आपका राम भरत मिलाप मंदिर। तो ये मंदिर ना वो जगह है जहां पर आपके राम जी और भरत जी का मिलाप हुआ जब श्री राम अयोध्या आए थे। तो भाई चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं आखिर अंदर से ये भरत मिलाप मंदिर दिखता कैसा है। सुनहु भरत भावी प्रवल बिलख केहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये सब जो चारों जो है प्रभु के हाथ में है। तो इस स्थान का मर्यादा यही है महत्तम कि जब राम जी 14 वर्ष के बाद वन से वापस आए तो भरत जी से यहीं मिलाप हुआ, वही जगह है। वो प्राचीन कुआं है, वो सिलवट्टा है, और उस समय के बाबूजी तीन चीज आपको मिलेंगे, पृथ्वी जहाँ हम आप खड़े हैं, एक सरजू नदी और अपना विश्वास, ये बात है। तो ये कर्म भूमि है, धर्म भूमि भी है, और त्यागियों का भूमि है। राजा हरिश्चंद्र जी यहीं के थे, राजा भगरथ जो गंगा लाए थे यहीं के थे, रघु हैं, राजा सगर हैं, दिलीप हैं, बहुतों हैं, लेकिन सब प्रतापी त्यागी और समाज सेवक, ये सब है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब ऐसा है यहाँ 2-3 मेरे के लोग आते हैं, एक आएंगे कि जो इस पृथ्वी को वही समझेंगे कि हम आ गए तो हमारा जो है धन हो गया, एक आएंगे आपको खोज करने के लिए, तो वो उनको सशंकित रहते हैं, तो वो खोज क्या करना है, अरे आँख से देखो, महसूस करो दिल से, ये सब बातें हैं बाबू। जय सिया राम। मैं आ गया हूँ भरत मिलाप मंदिर के अंदर, ये वही प्रांगण है जहाँ श्री राम और भरत जी का मिलाप हुआ था, ये वही धरती है, ये वही भूमि है जब 14 साल के वनवास के बाद श्री राम वापस अयोध्या आए थे।
राम भरत मिलाप मंदिर जो मंदिर है ये लगभग आज से 500 साल पुराना मंदिर है, जिसका निर्माण विक्रमादित्य ने किया था, जो यहाँ के राजा थे आज से 500 साल पहले। तो ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, ये आज से 500 साल पुराना मंदिर है। लेकिन जो ये भूमि है, ये भूमि आपके उस टाइम की है जब राजा राम आए थे अयोध्या। एक कुआं ऐसा भी है जहाँ कभी किसी जमाने पे श्री राम प्रभु राम कुआं से पानी भी पिया करते थे। तो मेरे सामने देखिए कुआं है, और ये कुआं के सामने क्या लिखा है, कुएं में झांकने से आपकी आंखें खराब हो सकती है। भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल हम झांक के देखते हैं कि ये कुआं आखिर है कितना गहरा जहाँ से श्री राम प्रभु राम पानी पिया करते थे। तो भाई ये देखो कितना गहरा है ये, भाई ये देखो यार बहुत गहरा कुआं है। तो इतना गहरा कुआं ना मैंने आज तक नहीं देखा। तो मैं धन्य हो गया कि मुझे ना वो कुआं देखने मिल गया जहाँ कभी श्री राम पानी पिया करते थे। तो भाई चलो अब आगे नीचे उतरते हैं, वरना कोई यहाँ डांट देगा मुझे, तो मुझे डांट नहीं सुनना है। और ये जगह भाई कितनी शांत लग रही है, अयोध्या के अंदर ना आपको इतने भीड़भाड़ के बाद भी एकदम शांत जगह ना बहुत मुश्किल से मिलेगी। यहाँ कोई नहीं आया, मतलब अभी फिलहाल कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ शांति है। और यहाँ से बाहर निकलोगे रोड में तो इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक शांत जगह पे हूँ और मन लग रहा है कि यहीं बैठा रहूँ। मैंने अभी एक बात कही थी कि आइए अंदर आइए मंदिर में, एक भेंट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों कहा आपने? अब क्या करें, जब पब्लिक नहीं आने का इच्छा करता है वो समझता है कि यहाँ पंडित जी पैसा मांगेंगे, तो इसीलिए मुझसे पहले पैसा नहीं लगेगा, तुम आ जाओ दर्शन कर लो, भेंट मत करो भैया। भगवान के दर्शन करने से लिए भेंट देना जरूरी है, भेंट तो आपकी इच्छा होती है जी। तब वो यही सोच रहा है कि हम यहाँ आएंगे तो देना पड़ेगा, तो हमने इसलिए बोले कि भैया भेंट नहीं देना पड़ेगा, तुम चले आओ। लेकिन उसने जिला गांव का लोग थे ना, वो डरते हैं कि कहीं पैसा ना मांगे, मांगे किसी से नहीं मांगते हम, प्रभु राम से मांगे, मनुष्य क्या मांगने से क्या मिलेगा। मैंने ना क्या कहते हैं, आपके अयोध्या के अंदर एक चीज जरूर देखा कि जैसे और मंदिरों में आप जाओगे ना तो वहां लोग बोलते हैं कि कुछ दे दीजिए, भेंट दे दीजिए। अयोध्या के अंदर आपको ना यहाँ ये चीज देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप अपनी इच्छा से कुछ देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते हो तो आपकी श्रद्धा है। हाँ जी, तो यहाँ कोई ऐसा नहीं कि आपके पीछे बोले भाई दे दो, ये कोई मांगने की जगह नहीं। यहाँ तो आदमी अपनी श्रद्धा से देता है और लेने वाले भी अपनी श्रद्धा से देते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्यों? सीताराम जय श्री राम। तो अयोध्या ना तो बहुत बड़ी अयोध्या है, आपको एक दिन में तो यहाँ कुछ देखने के लिए मिल नहीं पाएगा, एक दिन में आप इस अयोध्या को घूम नहीं पाओगे। अयोध्या घूमने में कम से कम आपको तो एक से डेढ़ महीना चाहिए। फिलहाल अभी हम चलते हैं किसी और लोकेशन पे और करते हैं किसी और लोकेशन को अपने इस वीडियो के अंदर कैप्चर। तो फिलहाल आपने मेरे इस व्लॉग को यहाँ तक पूरा देख लिया, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जहाँ आपको मैं दिखाऊंगा अयोध्या के कुछ अलग और नए जगह, जहाँ से अयोध्या की कहानी मिलेगी, और उस कहानी में हम अयोध्या को जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तो मेरा ये व्लॉग यहाँ पे अंत होता है, ख़त्म होता है। अगर आपने मेरा ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा, और कमेंट में एक सीताराम तो ज़रूर लिखिएगा। और अयोध्या के इस पावन धरती को नमन करके मैं चलता हूँ आगे।